हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथ के इस लेक्चर में। जैसे कि आप सभी को पता, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में ये हमारा लास्ट लेक्चर है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लगभग इसकी 15 वीडियोज़ प्रोवाइड करा चुका हूँ नंबर सिस्टम की, और ये लगभग 16वीं वीडियो होगी या 15वीं वीडियो होगी। ठीक है, तो आज हमारा नंबर सिस्टम पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और मैंने लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर यूपी टेट की फुल्ली प्रिपरेशन कराई जा रही है। सारे के सारे सब्जेक्ट प्रॉपर वे में चल रहे हैं और सभी की लगभग एक एक यूनिट ख़त्म हो चुकी है, और उन पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। बाकी की आपने देखा होगा, यदि आप गए होंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, हिंदी के भी क्वेश्चन आए हैं, पर्यावरण के भी क्वेश्चन आए हैं, और बाल विकास में जो आपका अधिगम चैप्टर चल रहा है उसमें भी आपके अधिगम से संबंधित प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय। तो हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं आज। रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शेषफल प्रमेय। ठीक, अब आपको ये पता चलना चाहिए कि ये शेषफल प्रमेय होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको इकाई के अंक से संबंधित क्वेश्चन कराए थे, यूनिट डिजिट, तो वहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। वैसे ही अगर हम शेषफल प्रमेय की बात कर रहे हैं, शेषफल प्रमेय की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ शेष पे ध्यान देना है, रिमाइंडर पे ध्यान देना, बाकी किसी भी चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इस तरीके से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का। देखो, यदि मैंने बात की कि अगर हमने 23 को 5 से डिवाइड किया, 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे क्या रिमाइंडर आएगा? एक तो आपका आएगा +3, क्योंकि 5 चौक कितने होते हैं? 20 होते हैं, तो 3 बच जाएगा, तो आपका एक रिमाइंडर क्या आएगा? +3। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं 5 की मल्टीप्लाई 5 से करूं, तो 5 पंजे कितना होगा? 25। तो उस स्थिति में आप बोलेंगे कि इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो -2 बचेगा। बस समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है उस स्थिति में, क्योंकि 25 जो होगा वो 23 से कितना बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा। अगर हम माइनस के 2 घटा दें 25 में से, तो हमारा क्या जाएगा? 23 हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो -2 बचेगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर मैंने एक नंबर और लिया, मैंने नंबर लिया 16 और मैंने डिवाइड किया इसे 15 से, तो इस स्थिति में आप बोलेंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा? +1। ठीक है, +1 रिमाइंडर आएगा। यदि मैं आपसे बोलूं निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बोलेंगे -14। ठीक, चलिए और नंबर लेते हैं। यदि मैंने आपसे बोला कि 21 को कितने से डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 36 18, प्लस के 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, यदि मैं 6 24 कर दूं तो कितना बचेगा? -3 रिमाइंडर बचेगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी? तो यहाँ से हमारे 2 रिजल्ट निकल के आते हैं कि रिमाइंडर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। क्या? एक तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। दूसरा स्थिति में आपका क्या मिल रहा है? निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके के
रिमाइंडर होते हैं, एक होता आपका पॉजिटिव, एक होता निगेटिव। इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। एक बात और कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका यहाँ पे, देखो डिवाइजर क्या है यहाँ पे हमारा 6। ये 6 जो है पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों का क्या है, सम है। यदि हम दोनों के साइन न देख के केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखें और इन्हें ऐड करने की कोशिश करें तो कितना आएगा, 3 और 3 6 आएगा, जो कि हमारा डिवाइजर है। वैसे यदि यहाँ देखें 1 और 14 कितना आएगा, 15, जो कि हमारा डिवाइजर है। यहाँ पे देखो 3 और 2 कितना होगा, 5, जो कि हमारा डिवाइजर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि डिवाइजर हमारा कितना है, डिवाइजर जो होता हमारा वो जो होता है वो होता है सम ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, दोनों के सम के बराबर हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है। यदि मैं आपसे बात करूं किसी नंबर को मैंने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, किसी नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर कितना आया, प्लस के 1 रिमाइंडर आया। किसी नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया, प्लस रिमाइंडर आया, और मैंने पूछा कि माइनस का रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इस डिवाइजर में से प्लस वाले को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3, और माइनस साइन लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, निगेटिव रिमाइंडर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैंने आपसे बात करी कि यदि कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है और प्लस के 2 रिमाइंडर आता है, यदि मैं आपसे पूछूं माइनस का रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 2 को माइनस करो 5 में से, तो कितना बचेगा, 3, और माइनस साइन लगा देंगे, तो क्या आ गया, हमारा निगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपको कोई भी रिमाइंडर दिया है, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर दिया है या निगेटिव रिमाइंडर दिया है, वो दूसरा रिमाइंडर निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइजर में से माइनस करके दूसरा रिमाइंडर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे आपके एग्जाम में, वो देख लेते हैं। इतनी बात क्लियर होगी सभी को, चलिए अच्छे से नोट्स बनाते रहना, और ये लास्ट क्लास है, इसके बाद हम चालू करेंगे परसेंटेज, क्योंकि आप सभी को पता होगा, जिन्होंने मैथ पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो बैकबोन है अर्थमेटिक की, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। यदि हम परसेंटेज चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो समझ लो हम अर्थमेटिक के मैक्सिमम चैप्टर कर लेंगे आसानी से, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को हम क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर हम परसेंटेज कर लेते हैं तो, ठीक है। तो इसके बाद हम पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद सभी चैप्टर्स को देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है आपकी आज के क्लास का क्वेश्चन यह है कि यदि 19 × 18 × 16 × 15 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमें रिमाइंडर बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, देखो यदि मैं 17 से 19 को डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, आप बोलोगे +2, ठीक। यदि मैं 17 से 18 को डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, आप बोलोगे +1, ठीक है। यदि मैं 16 को डिवाइड करूं 17 से तो आप बोलोगे कि ये 1 कम है 17 से, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा। 17 से 15 कितना कम है, 2 कम है, इसका मतलब क्या है, ये -2 रिमाइंडर आएगा। यदि कोई संख्या डिवाइजर से ज़्यादा है तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, यदि कम है तो -2 रिमाइंडर आता है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब जितने भी हमारे रिमाइंडर आए हम क्या करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिए हुए थे सारे के सारे नंबर। माइनस माइनस क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा, 2 × 4, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 4। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है 21 × 53 × 86 को यदि हम 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, चलिए सोल्व करिए। देखो यदि मैं बात करूं 18 से 21 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, +3 रिमाइंडर आएगा,
इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद यदि मैं 18 की बात करूँ 53 में, तो 18 तिया कितने होते हैं, 54 होते हैं, एक ज़्यादा आएगा इससे, ठीक है, तो कितना आएगा, ये क्या है, 54 से एक कम है तो माइनस के 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद 18 पंजे कितना होता है आपका, 90 होता है, 18 पंजे 90 होता है, 86 कितना कम है, 4 कम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 4 रिमाइंडर आएगा, आ रही बात समझ में, 18 पंजे 90 माइनस के 4 रिमाइंडर आएगा। सबकी मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई में है नंबर सारे, तो देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, 4 × 4 = 12, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 12 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 72 × 88 × 92 × 64 को यदि 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, चलिए बताइए क्या रिमाइंडर आएगा। देखो अगर मैं 15 से डिवाइड करूं 72 को, तो 15 × 75 होते हैं, 75 कितना ज़्यादा है इससे, 3 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या, माइनस के 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 15 × 6 कितना होते हैं, 90 होते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 15 × 6 = 90 प्लस के 2 रिमाइंडर आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 15 × 6 = 60 कितना आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा प्लस का, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस माइनस प्लस होगा, कितना आएगा, 3 × 2 = 6 और क्या आएगा, 4 × 2 = 8 डिवाइड बाई 15, देखो यहाँ से कितना आएगा, 8 × 6 = 48, 48 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 × 3 = 45 होते हैं, कितना आएगा रिमाइंडर हमारा, 3, ठीक है आंसर, क्योंकि 48 हमारा 15 से ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए हमें एक बार और डिवाइड करना पड़ा इसको। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस टाइप से मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है 89 + 271 + 625 + 689, ठीक है, ये नंबर है और आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। मैंने आपको विभाजन के नियम में जब पढ़ाए थे विभाजन के नियम, आपको बताया था कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या हमारी क्या होती है, 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। तो हम क्या करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हमें दिया हो और 4 से डिवाइड करना हो, तो सिर्फ हम लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, तो लास्ट के 2 नंबर देखेंगे, यहाँ तो सिर्फ 2 ही नंबर है, ठीक है, 2 ही अंक हैं, तो 2 ही अंक देखेंगे, ठीक है, तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, देखो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, एक रिमाइंडर बचेगा प्लस के। यदि मैं लास्ट के 2 अंक की यहाँ बात करूँ, तो 4 × 5 = 20 होता है, यहाँ पे भी हमारा क्या बचेगा, प्लस के 1 रिमाइंडर बचेगा। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ लास्ट के 2 अंक की, तो 6 × 24 होता है, यहाँ पे भी हमारा क्या बचेगा, प्लस के 1 रिमाइंडर बचेगा। यदि मैं यहाँ की बात करूँ, 89 है लास्ट के 2 अंक, यहाँ पे हमने अभी 89 को डिवाइड किया था, तो यहाँ से भी हमारा क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। और देखो सब प्लस में हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है, माइनस से या प्लस को देख कर घबराना नहीं है, जो भी आएगा वही हम क्या करेंगे, रिमाइंडर के साथ में वही ऑपरेशन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो प्लस है तो प्लस को ऐड करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 4 आ गया हमारा, अब 4 आ गया, ये 4 से ही डिवाइड करना है, तो एक बार पूरी तरीके से डिवाइड चला जाएगा, इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम से, चलिए देखते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव ये है 72 इंटू
93 × 82 × 64। मैं आपको क्या बतानी है, लास्ट डिजिट बतानी है, ठीक है, अंतिम अंक। बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, मैंने रिमाइंडर थ्योरम इसलिए लिख दिया क्योंकि आप यूनिट डिजिट से भी इसका लास्ट अंक बता सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ना लगा के आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाना और लास्ट का अंक बताना या लास्ट का एक अंक बताना है, ठीक है। तो लास्ट के एक अंक के लिए अगर हमसे अंतिम एक अंक पूछे, अंतिम एक अंक पूछे, तो हम सारे के सारे एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यदि हमसे अंतिम दो अंक पूछे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। यदि हमसे अंतिम तीन अंक पूछे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे एंड 100, ठीक है। चार पूछेगा तो 10000 से डिवाइड करेंगे। हमसे क्या पूछा था, लास्ट अंक पूछा था, अंतिम अंक पूछा था, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को पूरे को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब जब 10 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ देखो, अगर यहाँ लास्ट में 10 से डिवाइड का विभाजन का नियम क्या होता है, लास्ट में जीरो होना चाहिए। यदि यहाँ पे दो ना होके लास्ट में जीरो होता तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब क्या कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लस के दो रिमाइंडर मिलेगा। क्या रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ से प्लस के दो रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ 93 ना होकर 90 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, तो यहाँ से कितना मिलेगा, प्लस के 3 रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ से फिर दो रिमाइंडर मिलेगा प्लस के, और यहाँ से कितना मिलेगा, 4 रिमाइंडर मिलेगा प्लस के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। और ये सारे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 × 6 × 12 = 48 आ गया हमारा। और 10 से डिवाइड करना है क्योंकि 10 से ज़्यादा आया तो एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी बार जाएगा, देखो अगर 0 होता लास्ट में तो 10 से पूरा कट जाता, 40 होता तो रिमाइंडर क्या बचेगा इस स्थिति में, 8, 10 × 40 8 रिमाइंडर बचेगा। और जो रिमाइंडर बचेगा हमारा, वही हमारा क्या होगा, लास्ट का एक अंक होगा, लास्ट डिजिट। तो इसलिए लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, 8। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिटा दूं इसको, चलिए मिटा देता हूँ। सब कुछ अच्छे में समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 1102 × 15206 × 18702। इसमें क्या करना हमें, इसमें बताने हमें अंतिम दो अंक बताने, ठीक है, अंतिम दो अंक बताने। कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया अंतिम एक के अंक के लिए हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, 2 के लिए 100 से, 3 के लिए 1000 से, 4 के लिए 10000 से। अंतिम दो अंक चाहिए तो मैं इस एक्सप्रेशन को पूरे को किससे डिवाइड करूंगा, मैं इसको करूंगा 100 से डिवाइड, ठीक है। अब देखो 100 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के दो अंक जीरो होने चाहिए। यदि जिस भी नंबर के लास्ट के दो अंक जीरो होंगे वो पूरा 10 से डिवाइड होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यदि मैं बात करूं कि यहाँ दो ना होके ये लास्ट में दो अंक ये हैं, ये दोनों जीरो होते तो हमारा क्या होता, 100 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब क्या है, यहाँ से रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, प्लस के दो, ठीक, मल्टीप्लाई। यहाँ पे लास्ट के दो अंक क्या, 0 6, अगर 6 ना होता, 0 होता इसकी जगह तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब क्या है, यहाँ से कितना मिलेगा, प्लस के 6 रिमाइंडर मिलेगा। उसके बाद यहाँ से फिर कितना मिलेगा, प्लस के 2 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक। अब देखो कितना का मल्टीप्लाई करके, 6 × 12 × 24, इसका मतलब लास्ट के दो अंक जो होंगे हमारे क्या होंगे, 24। लास्ट टू डिजिट क्या होंगे हमारे, 24 आंसर। सारी चीज़ें बेहद आसान हैं, आप आसानी से कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है
फैक्टोरियल। आपने फैक्टोरियल सुना होगा। अगर फैक्टोरियल के डिनोशन की बात करूं मैं, डिनोट किससे करते हैं फैक्टोरियल को, तो फैक्टर को हम डिनोट या तो इससे करते हैं या हम फैक्टर को डिनोट इससे करते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे एक फैक्टोरियल की बात करूं, वन फैक्टोरियल की बात करूं, तो वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है। अगर मैं टू फैक्टोरियल की बात करूं तो टू फैक्टोरियल या तो मैं ऐसे लिखूंगा या मैं टू फैक्टोरियल ऐसे लिखूंगा। टू फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वहां पे क्या होती है, वन इंटू टू, ठीक है। यदि मैं आपसे तीन फैक्टोरियल की बात करूं तो तीन फैक्टोरियल को या तो मैं ऐसे लिखूंगा या फिर मैं तीन फैक्टोरियल ऐसे लिखूंगा। तो तीन फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, वन इंटू टू इंटू थ्री, ठीक है। अगर मैं फोर फैक्टोरियल की बात करूं आपसे तो फोर फैक्टोरियल मैं या तो ऐसे लिखूंगा या फिर मैं फोर फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। और फोर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर। यदि मैं आपसे फाइव फैक्टोरियल की बात करूं तो फाइव फैक्टोरियल क्या होगा, या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। जितना भी फैक्टोरियल होता है एक से लेके हम मल्टीप्लाई में रेगुलर लिखते चले जाते हैं उतने ही नंबर तक। जैसे फाइव फैक्टोरियल था तो फाइव फैक्टोरियल तो चले गए हम एक से लेके फाइव तक। दस होता तो एक से लेके दस तक जाते हैं और सौ होता तो एक से लेके सौ तक मल्टीप्लाई में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फैक्टोरियल। अब यदि मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक, मैंने आपको क्वेश्चन दिया ठीक है, क्वेश्चन लिखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेवन, फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल फोर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल हंड्रेड को यदि हम ट्वेल्व से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमें रिमाइंडर बताना है, ठीक है। अब देखो यदि मैं फैक्टोरियल एक को 12 से डिवाइड करूंगा तो एक की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वन का वन रिमाइंडर आ जाएगा एज इट इज। फैक्टोरियल टू की वैल्यू कितनी होती है, टू होती है, टू वन जा टू, ठीक है। तो टू को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, टू आएगा, कितना रिमाइंडर आएगा, टू, ठीक है। प्लस यदि हम फैक्टोरियल थ्री की बात करें तो फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू कितनी होती है, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिक्स। अगर हम ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा सिक्स, ठीक है, एज इट इज सिक्स आ जाएगा। उसके बाद अगर फैक्टोरियल फोर की बात करें हम, अगर फैक्टोरियल फोर, फोर की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल फोर की वैल्यू होती है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर। अगर हम ट्वेल्व से डिवाइड करें इसको, देखो तीन चौक बारह पूरा पूरा कट जाएगा, और जो नंबर पूरा पूरा कट जाता है उसमें रिमाइंडर क्या आता है हमारा, उसमें रिमाइंडर आता है जीरो। तो इसका मतलब क्या है, ट्वेल्व फोर फैक्टोरियल में हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो। और देखो पाँच में भी फिर हमारे के बाद तीन इंटू चार आएगा, मतलब ये चार थी बारह पूरा पूरा कटेगा, फिर इसमें भी क्या आएगा, जीरो आएगा। और आगे की जितने भी हमारी टर्म्स हैं सब में हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, देखो तीन और छः नौ, तो बारह से डिवाइड करने पर इस एक्सप्रेशन को हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, नौ। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल फोर डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल फाइव हंड्रेड। इसको डिवाइड करना है फिफ्टीन से और आपको क्या करना है, रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने अभी पहला वाला क्वेश्चन करा है, ठीक वही कॉन्सेप्ट लगाना, उसी तरीके से हमें सोचना है। देखो यदि मैं बात करूं आपसे कि 15 को हम फैक्टोरियल 1 से डिवाइड, सॉरी फैक्टोरियल 1 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा हमारा, 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम फैक्टोरियल 3 को रिमाइंड करेंगे डिवाइड 15 से तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 6 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, ठीक है। अगर 24 को हम डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आएगा, देखो 15 दूनी 30 होता है, और 30 इससे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 6 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये कम है 6 30 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, माइनस के
6, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस के 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि हम प्लस में रिमाइंडर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 × 15 9 हमारा रिमाइंडर आएगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन से बचने के लिए हम छोटे रिमाइंडर लेने की कोशिश करते हैं, वो चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर हो या नेगेटिव रिमाइंडर हो, ठीक है। आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर लें या चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर लें या नेगेटिव रिमाइंडर लें, ठीक है। तो कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी। यदि मैं बात करूँ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 के बाद क्या आएगा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को डिवाइड करेंगे 15 से तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 को हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ये होती है। अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ इसको, देखो 3 × 5 = 15 पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0, इसका मतलब यहाँ भी 0 आएगा, और आगे की जितनी भी टर्म होंगी फैक्टोरियल 6 में भी 3 × 5 आएगा, 7 में भी आएगा, 500 तक ऐसे ही आएगा। तो आगे तक हमारा रिमाइंडर क्या मिलता चला जाएगा, हमें 0 मिलता चला जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसलिए देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 3 आंसर। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं या बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कुछ बच्चों को पता भी होगा और जिन्हें पता है वो और समझ लें अच्छे से, और जिनको नहीं पता उन्हें तो देखना ही है सही से, ठीक है। चलिए यदि मैं बात करूँ -1, -1 की पावर है क्या, इवन, इवन का मतलब क्या होता, सम, ठीक है, सम संख्या है पावर -1 की, तो हमें क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, आ रही है बात समझ में, ठीक है। यदि -1 की पावर क्या हमारी, ओड, हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम, तब हमें क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, यदि प्लस का 1 है और उसकी पावर चाहे ओड हो या इवन हो, हमेशा हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, पॉजिटिव, प्लस का 1 ही मिलेगा, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ये है कि 18 की पावर 37 डिवाइड बाई 19, आपको रिमाइंडर बताना है क्या होगा, ठीक है, 18 की पावर 37 19 से डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना, रिमाइंडर क्या होगा। देखो 19 से कितना कम है, 18, 1 कम है, इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है -1 रिमाइंडर आएगा, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 37। अभी मैंने बताया 37 क्या है, आपका समय या विषम, विषम, ये क्या है आपका, ओड है, विषम है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर पावर माइनस की, 1 की पावर विषम है तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, -1। और आप सभी को पता है कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो प्लस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिससे हमने, जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं, माइनस वाले को घटा देते हैं, और माइनस वाले के लिए क्या करते हैं, हम पॉजिटिव को घटा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर में से इसे घटाएंगे, या ऐसा समझ लो कि दोनों रिमाइंडर का सम, पॉजिटिव रिमाइंडर, मैंने बताया था शुरू में, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस निगेटिव रिमाइंडर दोनों का सम क्या होता है, हमारा डिवाइजर होता है। डिवाइजर क्या है, 19, तो इसका मतलब यदि -1 है एक, तो दूसरा क्या होगा, 18 होगा, और वो किस में होगा, प्लस में, तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस में हमारा। या आपको क्या अगर निकालोगे भी, ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, जो माइनस में रिमाइंडर आया डिवाइजर में से माइनस कर दोगे, तो कितना आएगा, 18, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ, उसके माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको। यदि मैंने क्वेश्चन लिखा, 29 / 30 और 29 की पावर मैंने कर दिया 171, ठीक है। अब देखो 29 कितना कम है, 30 से एक कम है, इसका मतलब क्या है, -1 का रिमाइंडर बचेगा और उसकी पावर कितनी जाएगी,
171। और ये क्या है हमारा विषम पावर है, और विषम पावर में रिमाइंडर हमारा क्या आएगा माइनस वन ही आएगा। अब माइनस वन में रिमाइंडर होता नहीं, मैंने आपसे बताया पॉजिटिव होता है रिमाइंडर हमेशा, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव के लिए इसमें से माइनस वन को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 30 में से माइनस वन जाएगा कितना आ जाएगा 29, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा 29। ठीक है, आई थिंक ये बातें समझ में आई होंगी आपको। चलिए कुछ अच्छे अच्छे सवाल देख लेते हैं इसी टाइप के, क्या उन कौन से आपके बने हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या करना है पूछ लेना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप के आए हुए हैं आपके एग्जाम में। आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, देखो क्वेश्चन अगर बात करूँ मैं, पहला क्वेश्चन देखिए 25 को अगर हम 13 से डिवाइड करें, 25 की पावर कितनी है 48। ठीक है, ये पावर है और आपको रिमाइंडर बताना है। ये आया हुआ आपके 2016 में, टेट 2016। ठीक है, अब देखो 13 से मैं डिवाइड करूँगा 25 को, 13 का ना 13, 13 दूनी 26, 26 से ये 25 कितना कम है, एक कम है। इसका मतलब क्या हमारा माइनस के वन रिमाइंडर बचेगा। अरे बस समझ में, माइनस के वन रिमाइंडर बचेगा, उसकी पावर हम क्या करेंगे 48, और 48 क्या हमारी इवन है, सम है। और मैंने आपसे अभी बताया था यदि पावर माइनस की सम है तो हमें क्या मिलता है पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो हमारा रिमाइंडर क्या जाएगा प्लस वन आंसर। इतने ही आसान क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आगे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 13 की पावर को 14 से डिवाइड करें और 13 की पावर क्या हमारी 50 है, और ये आपसे टेट 2016 में ये पूछा आपसे। ठीक है, दो सवाल आए थे 2016 में रिमाइंडर थ्योरम से, तो ये पूछा था। तो यहाँ से देखो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है माइनस वन रिमाइंडर बचेगा और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 50, 50 क्या हमारी इवन, तो रिमाइंडर हमारा किया जाएगा प्लस वन। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की पावर कितनी है 200 और डिवाइड करना आपको 18 से और रिमाइंडर आपको बताना है। ठीक है, ये आया हुआ आपका 2015 में, 2015 में आया है। देखो 18 से डिवाइड करेंगे 17 कितना कम है, वन कम है, तो माइनस के वन रिमाइंडर बचेगा और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 200 क्या हमारे सम है, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा वन आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की, लास्ट का लास्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 10 माइनस 1, 2 की पावर 10 माइनस 1 को निम्न में से कौन सी संख्या विभाजित करेगी। को क्वेश्चन ये है 2 की पावर 10 माइनस 1 को निम्न में से कौन सी संख्या विभाजित करेगी। ठीक है, ऑप्शन दे दिए मैंने आपको 2, 4, 10 और 3। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, चलिए बताइए कैसे करेंगे आप, सोचो। देखो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 10 और माइनस वन। यदि मैं 3 से डिवाइड करूँ, मैं डायरेक्ट आंसर ले लेता हूँ क्योंकि आंसर इसका 3 है, समझाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो आप क्या लिखेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं, माइनस के 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखो मैंने अभी बताया था कि 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस वन और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 10, और यहाँ हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना रिमाइंडर बनेगा बचेगा 1 ही रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। और देखो पावर क्या है, माइनस वन की पावर है पॉजिटिव, सम है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा प्लस में आएगा 1 आएगा, और 1 माइनस 1 कितना आ गया 0।
जीरो रिमाइंडर आने का मतलब है कि ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड करेगी गिवन एक्सप्रेशन को, ठीक है। इसका मतलब क्या कि करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमसे पूछा था निम्न में से कौन सी संख्या विभाजित करेगी, तो तीन इस एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी, और किसी भी नंबर से डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, जीरो नहीं आएगा, ठीक। आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें। यूपी टेट 2019 की तैयारी बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा शुरू से लेके आखिर तक सारी वीडियो रेगुलर देखें, सभी वीडियो सीरियल वाइज हैं और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको प्रॉपर वे में मिल रही हैं, ठीक है। और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका सिलेबस हम लगभग एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले करा देंगे, और 10 दिन लगभग आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे अच्छे से, जितने ज़्यादा से हो सकता है उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, जिससे कि तैयारी आपकी इस तरीके की हो जाए कि आप 120 प्लस आसानी से गेन कर लें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।